उस समय जब सेमिनार रूम में थे आप, तो लड़की किस कंडीशन में थी? मैंने देखने ही मालूम पड़ रहा था उसके ऊपर गलत काम करके उसको मार दिया गया। हम लोग देख के समझ गया, हॉस्पिटल का आदमी उसका जितना डॉक्टर है जा, उधर का आदमी बोलता है कि हमको मालूम नहीं है। ये तो हमको बहुत अच्छे से लगा। कोलकाता पुलिस कह रही है कि पुलिस ने आपको फोन नहीं किया। पुलिस फोन किया है, पुलिस का जो अधिकार का जो ऑफिसर रहता है ना, वो जो था हॉस्पिटल में वही फोन किया था। सबसे पहला फोन किसी डॉक्टर ने किया था आपको? नहीं, असिस्टेंट सुपर ने किया, असिस्टेंट सुपर ने किया था। उसके बाद फिर क्या हुआ? आपने वही कहा हम फोन किया उस असिस्टेंट सुपर के फोन में, उन्होंने ही पकड़े थे। आप उसका बाद उन्होंने आपने बोला हम असिस्टेंट सुपर है, आप जल्दी चलिए, आपका लड़की लगता है सुसाइड कर दिया। वो किसी ने उसको बोलने के लिए बोला है, बोल दिया, ऐसा ही हो सकता है। और उसका जो व्यवहार है वो हमको अच्छा नहीं लगा पहले से ही। हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट में जो जो है हमका, हम लोगों का साथ अच्छी व्यवहार काफी नहीं किया। प्रिंसिपल में जो संदीप घोष एक बार वो सेमिनार हॉल में आया, फिर हम लोग के साथ कोई बात नहीं किया। आपने ये 14-15 दिन हो गया, हॉस्पिटल का कोई आदमी अभी तक हमसे बात नहीं की। क्या आपने किसी से पूछा कि बेटी आपकी सेमिनार रूम क्यों गई, कैसे पहुंची? नहीं, ये तो कभी कभी वो जाते थे उधर, उसका जो स्लीप रूम है ना, उधर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है। जब पेशेंट रहते थे उस टाइम वो कहाँ बैठेगा, बैठने का तो जगह चाहिए, तो कोई तो नहीं था। वही एक था हॉल, सेमिनार हॉल, रात में पक्का रहते थे, उधर रहता था। आपने ये भी कहा था कि 36 घंटे आपकी बेटी से काम पहले कराया गया था। तो हर सप्ताह में, हर महीना में चार चार ड्यूटी पड़ते थे, हर सप्ताह में एक दिन, और एक एग्जिस्टिंग होता था एक दिन में, रविवार में होता था, उस दिन भी 24 घंटा करना पड़ता था। 3 घंटे शुरुआत में मिलने नहीं दिया गया, देखने नहीं नहीं दिया नहीं गया। नहीं और हम लोगों जो अभी एक बात भी कलकत्ता पुलिस बोल रहा है, जो हम लोग एफआईआर करने के लिए मना किया था, ये बात पूरा गलत है। तो क्यों मिलने क्यों नहीं दे रहे थे आपको? ये तो उन लोग जानता है, हम लोग कैसे जानेंगे। हम लोगों का तो उस टाइम में दिमाग खराब था, कितना टाइम लड़की को देखेगा, यही के लिए हमको दिल तड़प रहा था। हम लड़की का क्या हुआ, लड़की का क्या हुआ, यही हम सोच रहा था। तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ छुपाने की कोई कोशिश ये तो करता है? कोशिश किया गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम से डेड बॉडी निकले तब तो लोग इतना जल्दीबाजी था, जितना जल्दी हो सके उसको दफन करा दे, बस उसका काम खत्म। उस लोग इधर सब काम करके उसका बात तो थाना में जाके एफआईआर किया है। हम लोग एफआईआर लिख के दिया 6 बजे, वो लोग एफआईआर रजिस्टर किया है रात 12:15 बजे। आपने कहा था कि आपकी बेटी डायरी भी लिखती है, उसको लिखने का बहुत डायरी शौक था। लिखते थे, और अभी थोड़ा सा हमको पता मिला है जो उसके डायरी का भी 2-3 पीस टूटा टूटा हुआ मिला, टूटा पीस बेस मिला कि नहीं मालूम नहीं, पेज टूटा हुआ है उसमें। संदीप घोष की भूमिका आपको क्या लगती है, कितना गलत उसका ऊपर तो हमारा लड़की को भेजा है, लेकिन वो हमसे कोई बात नहीं किया अभी तक, यही हमारे लोगों का। इसलिए तो हम लोग पहले से डिपार्टमेंट को ही दही कर रहा है मेरा लड़की के लिए। वो उसका काम के स्थान पर हम लगता है कि लड़की सेफ है, हम तो ही सोचेंगे ना, जहाँ गया काम करने के लिए भेजा है, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए भेजा नहीं, पढ़ने के लिए भेजा है उधर, तो टीचर के पास तो स्टूडेंट सेफ रहेगा, यही तो सिस्टम है। लेकिन उधर ही उसके ऊपर ऐसा नहीं होगा, हमको तो कभी मैंने सपने में नहीं भावा था, सोचा था।